क्या बोला गया था, जब क्या करते हैं, जब एसीटोन की एसीटोन को क्या करते हैं, हीट करते हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, मेसिटिलिन का। किसका निर्माण होगा, मेसिटिलिन। और मेसिटिलिन का फार्मूला क्या होता है, चौथा क्वेश्चन ही नहीं बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नहीं लिखा गया, क्वेश्चन क्या आपका, एसीटोन से मेसिटिलिन बनाना है, क्या बनाना है, एसीटोन से मेसिटिलिन, मेसिटिलिन बनाना, ठीक है। और ये विशेषकर याद रखेंगे, एसीटोन कई बार पूछा गया है तो इसलिए एसीटोन का फार्मूला क्या याद करेंगे, हो सकता है कभी काल इसका IPSC नाम भी पूछ दे, तो इसका IPSC नाम क्या लिखते हैं, तो कितना कार्बन है, 1 2 3, तीन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। आप प्रोप में जोड़ते हैं एनोन, यानी प्रोपेनोन, इसका IPSC नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। तो हो सकता है प्रोपेनोन को प्रोपेनोन से मेसिटिलिन बनाइए, तो ऐसे जब भी पूछा तो हम क्या लिखेंगे, तो प्रोपेनोन को हम लिखेंगे एसीटोन ही लिखते हैं, ठीक है। जब IPSC नाम आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि इसका IPSC नाम लिखते समय कार्बन की संख्या में एनोन जोड़ते हैं, चैलकेन से ये ताकर ओ या ई को जोड़ देते हैं। यहाँ से हमको बनाना है मेसिटिलिन, मेसिटिलिन का फार्मूला होता है CH3, यानी एक एक के अंतराल होता है, यानी एक को बीच में छोड़ते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा CH3। अब यहाँ पे देखिए, यह आपका हो गया मेसिटिलिन, क्या हो गया, यह मेसिटिलिन। मेसिटिलिन का क्या फार्मूला होता है, तो बेंजीन से 3 CH3 जुड़ा हो उसी को हम क्या कहते हैं, मेसिटिलिन कहते हैं। तो मेसिटिलिन का फार्मूला होता है बेंजीन से 3 CH3। अब यहाँ पे देखेंगे सी की संख्या टोटल कितनी होगी, 1 2, बेंजीन में 6 सी होता है, 1 7 1 8 1 9, कितना सी हो गया, 9 सी। यहाँ पे सी की संख्या कितना है, 3, तो किससे गुणा कर दें, 3 से कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 9 सी हो गया। तो सी की संख्या तो बराबर, लेकिन एच कितना हो गया, तो एच यहाँ पे 3 3 6 36 18, एच कितना, एच है 18। यहाँ पे एच की संख्या टोटल, तो जब यहाँ CH3 जुड़ा हो तो एक एच निकला होगा, यहाँ से भी जुड़ा एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से, यानी कि 3 H निकला होगा। बेंजीन में कौन एच, 6 H होता है, तो 6 में से 3 गया, तो कौ बच गया, 3 H इसमें बेंजीन में है, और 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी 3 2 6 3 9, और 3 बेंजीन में, 9 3 12, और टोटल एच कितना है, तो 6 3 18, तो 18 में से कितना गया, 12, तो बता कितना, 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो H2 लिखते हैं, तो 3H2 लिखते हैं, जिसको हम 6 लिख सकते हैं। O की संख्या टोटल कितना है, 3 1 3, तो लिख सकते हैं कि नहीं, और 3H2 आपका बाहर निकल गया। तो एक बार पुनः देख लेंगे, एसीटोन से क्लोरीन प्राप्त किया गया, एसीटोन से क्या प्राप्त किया गया, मेसिटिलिन प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को बताए, तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था, इसीलिए देखिए एक बार, देखिए बोला गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है आपको बैकेलाइट बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से आपको बनाना है बैकेलाइट, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड आप जब बहुलक पढ़े होंगे, पॉलीमराइजेशन, तो उसमें बताया गया कि जब फिनाइल के साथ ही इसकी अभिक्रिया कराई जाती थी, तो पॉलीमराइजेशन करा के उसका निर्माण किया गया था, तो बैकेलाइट एक बार देख लेंगे। तो जब हम क्या बोला गया, क्वेश्चन है पाँचवा, बेकेलाइट फार्मेल डिहाइड है ना, फार्मेल डिहाइड से बेकेलाइट, तो फार्मेल डिहाइड के क्या फार्मूला आता है, तो अब देखिए फिनाल से ही हम बना देंगे, क्या बनाना है, HCHO, यही फार्मेल डिहाइड है। अब बोला है क्या बनाने के लिए, तो बेकेलाइट OH की उपस्थिति में बैकेलाइट, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाइल बनाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से CH2 है तो बनता है पहले OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो CH2 है, CH2 को जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पे, CH2 हो गया एक ओ है ओ, और है जब यहाँ पे जुड़ा होगा तो एक एच निकला होगा, तो यही एच लास्ट में जुड़ गया, यह क्या हो गया, आर्थो मेथिल हाइड्रॉक्सी, मेथिल हाइड्रॉक्सी, आर्थोमेथिल हाइड्रॉक्सी फिनाल, इसका नाम क्या होगा, आर्थोमेथिल हाइड्रॉक्सी फिनाल। अब मुख्य रूप से आपको क्या प्राप्त होता है, तो पैरा, क्या प्राप्त होता है, पैरा, पैरा मेथिल हाइड्रॉक्सी फिनाल। तो देखेंगे एक बार,
बेंजीन की संख्या दो यहाँ पे कितना है, एक तो इसमें दो से गुणा कर लेंगे और दो एच हो गया। अब यहाँ पे मेथिल, या इसका नाम आर्थो मेथिल हाइड्रोक्सी फिनाइल हो, जबकि इसका पैरा मेथिल हाइड्रोक्सी फिनाइल, तो लिख लेंगे यहाँ पे बस पी लिखेंगे, सेम नाम वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या हो गया, सी एच टू की संख्या कितना हो गया दो, तो यहाँ पे सिक्स संख्या है तो इसमें भी दो से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि हमको बनाना है बेकेलाइट, क्या बनाना है हमको बेकेलाइट, तो अब इसका हम करेंगे पॉलीमराइजेशन, किसका करेंगे पॉलीमराइजेशन, तो अब हम इसका करेंगे किसका, तो आर्थो का करेंगे, किसका करेंगे आर्थो हाइड्राक्सी मेथिल फिनाइल का हम क्या करेंगे, तो बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन, क्या होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन समझता है ना क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि इसके साथ इसकी संख्या में n से गुणा कर लिया, पॉलीमराइजेशन लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जब इसका करेंगे बहुलकीकरण, तो जब बहुलकीकरण करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा आपका, बोलो नोवालक बनेगा, क्या बनेगा आपका नोवालक, नोवालक बनेगा। देखिए जैसे दिया गया है फार्मल, जैसे बेकलाइट, बेकलाइट ही बनाना है, तो नोवालक जब बनेगा उसके बाद से ही आपका क्या बनेगा फार्मल डिहाइड बना, तो इसका होता है सी एच टू, उसके बाद से एक बंद बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एच दो गो ऊपर नीचे हो गया, एक गो बंद इधर एक गो बंद इधर, चार गो हो गया, फिर बनाते हैं सी एच टू, फिर बनता है यह हो गया आपका नोवालक, क्या हो गया यह नोवालक, और यहाँ से एक सी एच से एक बंद बनेगा, पूरे का कर देंगे यन, और निकलेगा क्या आपका यन एच टू, क्या निकलेगा यन एच टू, क्योंकि जब यहाँ से जुड़ेंगे तो सी एच टू ही बस जुड़ा है, ओ एच बच रहा है और एक एच एक्स्ट्रा में जुड़ा है, तो इसलिए एच टू हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अब जब नोवालक को हम क्या करते हैं अगले स्टेप में देखेंगे, इसी नोवालक को, यहाँ तक हो गया तो आगे तक हम बढ़ते हैं, फिर इसी नोवालक को, लंबा हो गया, जब नोवालक क्या है, नोवालक क्या ही ना, देखिए सी एच टू ओ एच हो गया, फिर हो गया सी एच टू ओ एच हो गया, अब इसको बोला गया है सी एच टू और पुनः पूरे का यन हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करेंगे गर्म करेंगे, किसके साथ प्लस एच सी एच ओ के साथ, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है बैकेलाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बैकेलाइट, तो बैकेलाइट का फार्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है आपका बैकेलाइट का फार्मूला, पूरे काम क्या करेंगे यन से गुणा करेंगे, इसमें भी यन से, तभी जाके बैकेलाइट का निर्माण होगा। तो यहाँ से मान लीजिए है बैकेलाइट ओ एच होता है, फिर यहाँ से सी होगा, एक एच यहाँ पे एक एच यहाँ पे, फिर जोड़ेंगे यानी सी एच टू भी इसको लिख सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है, ओ एच हो गया, फिर लिखेंगे सी एच टू, उसके बाद से लिखेंगे सी एच टू हो गया, ओ एच हो गया, फिर लिखेंगे सी एच टू। ठीक है, अब उसके बाद से बोला गया फिर यहाँ से सी एच टू से जुड़ेगा, यह है आपका बैकेलाइट। ये हो गया आपका बैकेलाइट, यहाँ से जोड़ देंगे ओ एच, यहाँ जोड़ देंगे फिर ओ एच, उसके बाद से यहाँ से फिर जोड़ देंगे आपको ओ एच, यह हो गया आपका बैकेलाइट, यहाँ से फिर जोड़ देंगे सी एच टू, ये आपका है बैकेलाइट का फार्मूला, किसका फार्मूला है तो बैकेलाइट का, यही आपको क्या करना था बनाना था। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रयास किया जाए, फिर देखा जाएगा यही क्या है बैकेलाइट का, और बार बार इसको एक बार पुनः ध्यान देंगे क्या किया गया, तो सबसे पहले क्या किया गया होगा, सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड को क्या किया गया एल फिनाइल के साथ अभिक्रिया कराया गया, जिससे क्या आपको प्राप्त हुआ आर्थो मेथिल हाइड्रोक्सी फिनाइल, जब इसका पॉलीमराइजेशन किया तो नोवालक प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है नोवालक।
इसको नोवा लॉक कहते हैं। आज जब नोवा लॉक का क्या किया, हित किया किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तब हमको क्या प्राप्त हुआ, बेकराइट। संभवतः समझ नहीं आया क्योंकि थोड़ा लॉन्ग रिएक्शन है, लेकिन फिर प्रयास करेंगे समझ में आया। तो फिर अगला, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।